Aju tinhae, soban verchot sin chot sin kiteva. Ajo questems agyan san krodh jagando ahe. Agyan san krodh shanti chindo ahe. Ajo questems etru yae, jo tan jagan rakheo, pyar prem san tan shiron keo, anand varto, panchanga mujibe. Chao, satnam sakhi. Ye katha gole labhya. प्रेरणा प्रद कथाएँ इन्हें जो नाल हुआ है गीता प्रद गोरखपुर जी आए कथावणी उतंक ऋषि जी आए भगवान जो दर्शन किए तो कराए तो भगवान इन उतंक जी भी घणियूं कथाऊँ ईंदियूं आहिनि हा श्री कृष्ण का निज स्वरूप दर्शन निज स्वरूप जो दर्शन तो कराए थे उतंक के महाभारत सुंदर कथा उन्होंने मेकअप का वधिक इनमें के का पढ़ी थे शायद न देवताओं का अभिमान और परमेश्वर वे यम के द्वार पर आपस धर्म अलोका से पढ़ी आए कुछ कथा उन्होंने समझा तो अंदाज हलो ठीक है श्री कृष्ण का निज स्वरूप दर्शन महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका जय महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिए गए जय अब भगवान महाराज का जित बिहार में अभिषिक्त करने के चाहे भाई अभिषिक्त करना अभिषेक करना स्नान पानी कराया मतलब गद्य से विराजमान कर यो अभिषिक्त कर अभिषेक कर भगवान शंकर जो कहता है ना या मूर्ति जो साल में कब हुआ है तो अभिषेक कर मैंने स्नान करा इन महल तीन सत्तर साल गोलिंदे अभिषेक अभिषेक साखी था चवे समझ में नहीं मैं उनके स्नान पानी करे सुठो सिंगारे ठाए विहार में यो अभिषेक है उनको या मानू हों तो गद्य से विराजमान जी कबो है हाँ ये अंदाज समझ में अचे तो बे कंखे माना कुछ इंदी हुए तो मुख्य बुझाज कृपा कजो गोला कजो छो जो अटे पा हर कोई खाए तो हर कंखे पैंजो दिमाग वधी कई आए पैंजे दिमाग जो बराबर कोई कंखे समझंदो कोने को या पक ही पक समझो ब गाल अथव मां जेड़ो कोई मानू कोने एक कहावत न हुई अगे पढ़ो तो याद ही छो उन बालक से अशु पैंजो अकुल जो छाए अकुल अकुल का अधूरा गांठ का पूरा कोई नहीं अनुभव करता है मुश्किल है मन अकुल जो अधूरो हो जाए मां के अकुल घट ये कोई भी तैयार न थींदो गांठ का पूरा मां के तृप्ति थी वही हाँ संसार भोगन का पैसे का मान का वो अधूरो ही अधूरो महसूस कंदा हुन में पान के पूरो समझंदा तो ये पाह को याद कर रखो वरी पुछाव त आंख अकल का अधूरा गांठ का पूरा गांठ का पूरा कोई नहीं होता ये न यो पाह को सुंदर पाह को वणियो मूंखे ॻोल्हे ॻोल्हे तव्हां जे लाइ नयूं नयूं ॻाल्हियूं खोज कंदो आहियां काई न काई नई ॻाल्हि हुजे कोई यादि कयां वरी विसरी थी वञे वरी कोई यादि रहंदो आहे त पोइ अची वेंदी आहे यादि हा इहो इहो सूत्र यादि करे रखो ईअं न सम्झ मां अकुलमंद आहियां ॿिया घटि न हो तोखां वधीक अकुलमंद थी इहो पको साधकनि जे लाइ अगरि व्यवहार में तव्हां पाण ॼाणो त अकल का अधूरा और गांठ का पूरा माने मूंखे सभु कुझु पैसा मिली विया लोभ लालच ॾींहुं ॾींहुं वधंदी वेंदी आहे हर कंहिंजो इहो सुभाउ आहे इहो छिपियल ॻाल्हि आहे तव्हांजे हृदय जी ॻाल्हि आहे कीअं मां अंदरि सम्झी वियसि ॿुधायो घुमी आयो सभिनी अंदरि राम सुखदास महाराज पढ़ियुमि इहो हिन जे टिपणे जे पोइ त लिखंदो आहे वचन हाणे जेके नवां टिपण पंचांग कढिया अथई गीता प्रेस न जयपुर मां श्री कृष्ण पंचांग उन महिल कंहिंमें पढ़ियो हुउमि जी अकुल पंहिंजो अकुल औलाद बि पंहिंजी धन पढ़ाओ उहा वणंदी आहे माना
अकुल पैंजो वणंदो आहे, इहो बि ठहिक थो बराबरि आहे। अकुल पंहिंजो वणंदो आहे, औलाद बि पंहिंजी वणंदी आहे। गिगर सिंगर भले हुजे पर उनखे भाकुर पाईंदो, पेर पंहिंजो चुटी चटी चटींदो, चुमींदो, शादी कराईंदुसि, बलहाल पियो वेंदो, घोरे पे फिटी कंदो, संत न कयां रुपया वठो महाराज, मां मूंखे ईंदी आहे ॾाढी खिल। वीचारे खे ख़बर न आहे, मतिलबु मोह चओ कुझु बि चओ, त इहे घणा ईअं कंदा आहिनि छोकिरनि नंढनि ॿारनि जे मथां या बीमार जे मथां या कंहिंजे मथां। उहो संतनि खे न ॾियणो खपे, पर घणनि खे ख़बर घटि हूंदी आहे। पोइ संत खे कावड़ बि आहिनि, पिटींदा बि आहिनि, मारूं बि ॾींदा आहिनि, पर वीचारा हुननि खे ख़बर न आहे। मोह जे कारण मोह जहिड़ो कोई काम जहिड़ो कोई अंधो न थींदो आहे, मोह जहिड़ो कोई बेहोश न थींदो आहे। बराबरि, हे अखर पका करे थो चए, मुंहुं वैचित्य धातु आहे संस्कृत जो। हा, बेहोशी मतिलबु हुनखे कमु होश न रहंदो आहे, ऐं कामी अंधो ईअं चयो वियो आहे। क्रोधी जे लाइ बि कुझु चयो वियो आहे, हलो ठीकु आहे, पर भुली वेंदो, उहो मारींदो अची मूंखे। उतंग कृषि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका, महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिए गए। अभिषिक्त की गाल आई, मैं राजगद्दी से बैठो हो। अब भगवान श्री कृष्ण 80 साल का पो मुखे अभिषिक्त की माना आई है गद्दी से वेहण की। यो अखर एकड़े में एक अखर की माना एक अखर में बुधायण, यह एक बड़ी खूबी है। चिटो हुजे सम्झ में अचे सभु खे, उहो अखर वरी ईअं लिखियो ॿुधाए। हा, अब भॻवानु श्री कृष्ण सुभद्रा को लेकर द्वारका लौट रहे थे। जय यात्रा करते हुए भॻवान मारवाड़ देश में वहां जहां पहुंचे, जहां अमित तेजस्वी, अब अमित माने असीम, अमित अखर चए त असीम सम्झो, मित माने सीमित और असीम माने अमित। हा, जहां अमित तेजस्वी उत्तंक मुनि रहते थे, भगवान उत्तंक मुनि रहंदो हो राजस्थान जे अंदर, भगवान मारवाड़ देश उहो राजस्थान उहो ई आहे न, जिते वारी वारी हुजे उहो मारवाड़ देश। तव्हां बि पहिरीं मारवाड़ लथो नी, तव्हां आयो सिंध मां, उतां वेझो उहा हुई असांखे मारवाड़ बराबरि। त हे भॻवानु द्वारका मां हलियो। हा साईं, काॾे पियो वञे हिन सुभद्रा खे वठी करे हस्तिनापुर मां युद्ध समाप्त करे सुभद्रा खे वठी करे द्वारका पियो अचे। अच्छा, द्वारका रस्ते में राजस्थान, राजस्थान आयो। हा, हलो। जहां अमित तेजस्वी उत्तंक मुनि रहते थे, वॾो तपस्वी हुयो उत्तंक मुनि जो नालो मशहूरु आहे, जिन पढ़ियो हूंदो सम्झो हूंदो। हा, भॻवान ने उनका दर्शन किया और पूजा भी की, भॻवान उनजो दर्शन भी की, महात्मा जो उतंक मुनि आयो। अच्छा, भॻवान ख़ुदि कयो। हा, भॻवान ने उनका दर्शन किया और पूजा भी की। वाह वाह। तत्पश्चात मुनि ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। मोट मेरे कबो या कृष्ण के धो तो खुद अवतार भी आए जेतुन के। हा, फिर पर तपस्या भी तपस्या का घट कान है का। हा, फिर कुशल कुशल खेम। हाँ, फिर कुशल रोशनी प्रश्न होने लगे, कुशल प्रश्न थे, खुश तबियत पान ठीक थी, परिवार खुश थी, बार बच्चा खुश थी, ये हाजी वाली थे बुआ जी। हाँ, अंत में जब श्री कृष्ण ने कुशल खेम पूछ। हाँ, फिर एकदम नई गाल न पूछ दे काई, कुशल खेम पे बाबा खुश आ, तबियत पान ठीक थी, परिवार खुश थी, हाल हाल ॾिसजे, मां सुठी तरह ॻाल्हाए थो, सही तरह जे उबतो सुबतो थो ॻाल्हाए थो, हथ जोड़े हलियो वञे जल्दी। हा, इहो विधान अथव हिकिड़ो। हा, घणो वेहजेसि न हुन जे अॻियां। हा, अंत में जब श्री कृष्ण ने कौरव के संघार की बात सुनाई, कौरवनि जे संघार जी ॻाल्हि कंहिं कृष्ण कृष्ण ॿुधाई, कृष्ण ॿुधाए, ॾिस मां कौरवनि जो ख़तमु ख़ात्मो करे छॾियो मां। हा, तब मुनि क्रोध में भर गए, आवेश में अची वियो, क्रोध में भर गए और बोले, मधुसूदन कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे। कौरव भी तो तुझा संबंधी प्रेमी न, माइट भी थे। हाँ, प्रेमी भी न। हाँ, शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी उनकी रक्षा नहीं की। शक्तिवान होंदे भी इन्हें रक्षा न कर सकें।
अतः आज मैं तुम्हें श्राप दूंगा। आज मां तो श्राप तो दे यो गलत कम कयो थी। संत महात्मा न्याय वठंदा न न्याय ते घणे भाई पूरा हुंदा न शक्ति हुंदा न तो विढ़ंदा भी आहिनि न तो पोइ हथ जोड़े कंदा आहिनि बाबा। हा त पावरफुल शक्ति में तपस्या में बल थींदो आहे, शक्ति थींदी आहे। अहिड़े खे दाए दाव रखी चवे थो ख़बरदार मां कृष्ण तूं ग़लति कमु कयो आहे, मां तोखे श्राप थो ॾियां। हा हिकु असांजो साधारण सहनशीलता में सभु अची विया। उन बुख सहण कंहिं बि उद्देश्य खे हासिलु करिणो हुजे त ॿियूं सभु पासे जूं वासनाऊं हटाए ऐं हिक में तत्पर थी करके लॻी वञनि। न उन्हनि जो उञ जो ख़्यालु, न बुख जो ख़्यालु, न मरण जो ख़्यालु, न पंहिंजे जीअण जो कुझु बि न। उहो तपस्या ई आहे। हा सहारो ई भॼन जो ई हो, थोरो भॼन खां थोरो ॿी लाइन थी अची वञे। हा पोइ उनजो परमात्मा पासे लॻाईंदो त भॼन थी वेंदो। यज्ञ तप हवन जेके बि आहिनि परमात्मा पासे बिगड़ी हेॾे ॿियो पासो थी वियो। उहो वरी उहो कल्ह पढ़ियोसीं न, उहो हुजे भले दैवी संपत्ति आहे, उद्देश्य ग़लति आहे त आसरी संपत्ति थी वेंदो। कल्ह पढ़ियोसीं त उद्देश्य जो बिगड़ी थो वञे कंहिंमहिल कंहिंमहिल पावर नथा झले सघनि। छो पावर मिली वञे वरी पावर झलण बि त औखी ॻाल्हि आहे न। पैसो त सुठो आहे पर पैसे जो पावर वरी झलणु औखी ॻाल्हि आहे। ज्ञान बि हज़म करणु औखी ॻाल्हि आहे। अहिड़ी तरह काई बि चीज़ आहे, जवानी बि हा हा तेज तपस्या न भई असली अखर माने ध्यानु उहो हिकिड़ो ई करे उन बुख सही करके जनम मरण जो कोई भउ न करे लॻातार हिक ई चीज खे हासिलु करणु उहो थी तपस्या। शरीर जो बि परवाह न करणु। ध्रुव बि तपस्या, ध्रुव बि वञी तपस्या कई न, उन बुख जो ख़्यालु न कई, कुझु बि संसार जी काई बि शान रखी, हिक ई काई बि इच्छा रखी करके। हा उहो जेको उद्देश्य रखी हिकु दफ़ा कंदा त भॻवान खे ई, पर पहिरियों उद्देश्य हिकिड़ो रखंदा, मूंखे राज खपे, मूंखे पैसो खपे, पोइ भॻवान जो इहा कंदा त भॻवानु ब्रह्मा चओ भॻवानु चओ, हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी वरी साधना आहे। मींहुं खपे त वरी इंद्र खे यादि कंदासीं, अहिड़ीअ तरह भक्ति खपे त भॻवानु कृष्ण खे विष्णुअ खे, ज्ञान खपे त शंकर खे, अहिड़ी तरह उनजो ध्यानु उनजी साधना उनजो मंत्र उन मूंखे जो ख़्यालु न करे ऐं तत्पर थी उन में लॻी वञणु। हा त हिनखे उतंक मुनि भॻवानु कृष्ण खे थो चए शक्ति रहते हुए बि तुमने उनकी रक्षा नहीं की। हा सची ॻाल्हि आहे भई तोखे ताक़त बि हुई त पोइ कौरवनि जी रक्षा छो न करे। अतः आज मैं तुम्हें शाप दूंगा। हाँ ओहो कुरुवंश के सभी श्रेष्ठ मत पंथ वाला सब असंजे मत टोंकींदा इन एकड़ी गाल पे भाई ताजा ऋषि मुनि श्राप दींदा वरदान दींदा श्राप दींदा श्राप सुठो ना दियण ये माने। हाँ हलो कुरुवंश ताकत है ना, ताकत जै मी सही सही जान होंगी व्याकरण की जान जैके है तो कोई गलती कद तो उनके टोंकींद पछाड़ी चपाट बि हणंदुसि नथो सम्झे त छो जो हुनखे ख़बर आहे पूरी दाउ आहे न हुनजो हुन जे मथां हुन महिनत कई आहे तपस्या कई आहे कंहिं ॻाल्हि सिधी हासिलु कई अथई त हुनजो कोई बरकला पवंदो त हुनखे अणवणंदड़ थी पवंदी ॻाल्हि। हा कुरुवंश खे सभी श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गए छो जो हिन में कुरुवंश जा जेतिरा बि शूरवीर हुया हज़ारनि छा पर लखनि छा करोड़नि में हुया सभु ख़तमु थी विया। और तुंहिंजे हथ जे कारण ई तूं सिर्फ़ु चवें पासिरो थी वञे युद्ध न कयो त बसि। और तुमने सामर्थ्य रहते बि उनकी उपेक्षा की। हा उन ध्यानु न ॾिने कनलाटार करे छॾे। श्री कृष्ण बोले भृगु नंदन हे भृगु नंदन हो केरु उतंक जेको मुनि आहे। श्री कृष्ण बोले भृगु नंदन पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। तूं एतिरो उतावली न कर, तूं मुंहिंजी पहिरीं ॻाल्हि सम्झ, थोरो ध्यानु ॾे। हा आपने जो बाल्य अवस्था से उतावली न कजे आयो आहे न हिन में जेको दैवी संपदा जे गुणनि में कहिड़ो गुण हुयो धीरज
बाकी छा था पढ़ो पे वक्त भी पैंजो विञायो था दिमाग मुंजो विञायो था अचापलम छा हाँ अचापलम आयो हाँ अचापलम हाँ चंचलता जो ना हो जाए भाई अखियर तो यो है पर उतावली ना उतावली ना हो जाए बाकी छा था पढ़ो पे वक्त विञायो था घर में खीर जी अचो था कम कार खां बची अचो था पे न तो तुम कन पकड़ जे कर कम कराएं तुम चंगी तरह हाँ नंबर ये उतावली का ना होना जो कुछ वीह नंबर है हाँ जो हाँ श्री कृष्ण बोले भृगु नंदन बे श्लोक जो आखिरी हाँ या बे जो हाँ बे जो चवान तो वीह मां भी चवान तो अचापल वीह हाँ गुण वीह हुआ बे श्लोक तुझो आखिरी पद आयो हाँ श्री कृष्ण बोले भृगु नंदन पहले मेरी बात तो सुन लीजिए जय जय आपने जो बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का पालन कर कठोर तपस्या की है बाल्यावस्था का ब्रह्मचर्य जो पालन करो और गुरु भक्ति से अपने गुरु को संतुष्ट किया है हाँ गुरु के भी राजी कर उत्तम कमुनी मैं वह सब जानता हूँ यह सब मुझे खबर है पर इतना याद रख लीजिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता मन जो तिरस्कार न तो कर थोड़ी सी बल खनी हासिल थी तो तपस्या में बल नहीं दुआ हाँ अथवा मुझे शाप नहीं दे सकता तपस्या में तेज थी दुआ हम तपस्या जो पर राजा ही मान हुकुम हलान हाँ मैं आपको कुछ अध्यात्म तत्व सुनाता हूँ कुछ अध्यात्म गाल तो के बुद्ध हैं तो धीरज हाँ बुद्ध उसे सुनकर पीछे आप विचार कीजिएगा तो विचार कर दिए तुझी मर्जी हो जाए शराब लें कुछ भी दें महर्षि आपको मालूम होना चाहिए दैन ये रुद्र वसु संपूर्ण दैत्य देवताओं दैत्य जेके भी हैं भाई देवताओं जैमें वसु अची वह मनु अची वह ये सब देव कोटि में लिखबा और सब जे मुझे हाँ आपको मालूम होना चाहिए ये रुद्र वसु संपूर्ण दैत्य यक्ष गंधर्व राक्षस नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है ये मुंह में असत्य गुण जैके असत्य गुण ये सब मुंह न सत असत चाहम अर्जुन सत भी असत भी दुष्ट भी दुराचारी भी सज्जन भी सब मुंह में ही पैदा थे असत सत असत जेको गेय के समझंदा है तां पढ़ो था समग्र ब्रह्म के समझो था वो सब वो ही गाल सागी थे असत सत असत तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत है उन्हें का परे भी तो आए ना कोई सत्य असत्य का भी परे भी तो कोई आए विलक्षण आए ये सब मुंजी है वह भी मुझ सनातन देवादि देव से पृथक नहीं है देव मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए महात्माओं के साथ अनेक बार अनेक योनियों में अवतार धारण करता हूँ ये धर्म रक्षार्थ माँ यदा यदा धर्म से हाँ मैं ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ जब जब अहम आदिर देवानाम ये इंद्रन हाँ वही गाल तो चाहे हाँ जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है जै जै। तब तब मैं विभिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ अवतार वठी करके माइंड विभिन्न योनियों में अवतार वठी हाँ जब देव योनि में अवतार लेता हूँ तब मेरे सारे आचार व्यवहार देवताओं के सदृश होते हैं जै जै। गंधर्व योनि में अवतार लेने पर गंधर्वों के समान तथा नाग यक्ष राक्षस योनियों में अवतार लेने पर उन योनियों के सदृश आचार व्यवहार का पालन करता हूँ इस समय पार प्रदा करे जाने तो भगवान जाने जैसे भगवान कितना ठाकुर करे बिहारो चुरे तो समझनता है बिहारे व्यान हिं मुटुक बधी व्यान हिं पीतांबरी पातो हिं ही बीठो हो जाए चुर जाए पुर जाए न तो वेचारो बीठो हूँ रोटी जैमल दी भोग लगाए पेमल खाए जाए हाँ सब ये सी जैसा
चवंदसि उथंदो उथंदो बि निकिरी बि ईंदो ॿाहिरि पर असांजी भावना ई जल्दी डुक पाए हलाए वेंदा आहियूं असांखे पंहिंजो कमु करिणो आहे तूं बसि बीठो हुजे त वीचारो उन रूप में बीठो आहे छा करे हा इस समय में मनुष्य रूप में प्रकट हुआ हूं। हाणे मां मनुष्य रूप में आयो आहियां मूंखे पहाड़ पैदा करिणो आहे अतः एव मैंने कौरव से दीनता पूर्वक प्रार्थना की पहिरियों दीनता पूर्वक मां ॾाढी नम्रता सां दूत बणिजी वियो मां प्रार्थना कई मां हा किंतु मोह ग्रस्त होने के कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी मोह में ग्रस्त थी करके माण्हू मुंझी वेंदो आहे बेवस थी वेंदो आहे पूरो धर्म अधर्म ॼाण न पवंदी आहे उल्टो थो कमु कयां सिधो थो कयां छा थो कयां मोह हिकु वॾी बल आहे तमामु वॾे वॾी मोह अहंकार त चई खणी बसि कर पर हाली ॿियो जस मोह सकल व्याधन कर मूल आहे हा अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय वे स्वर्ग में पहुचे हैं हाणे मां युद्ध में मोह आहिनि बराबरि मां हिनखे स्वर्ग पहुचायो आहे छो जो युद्ध जे अंदरि शूरवीर जेको मरंदो आहे उहो स्वर्ग में वेंदो आहे इहो विधान आहे ऐं जीत पाए बि जे घर वञे मोह त पोइ उहो न युद्ध में मरी वञे तॾहिं बि मुक्त इहो जीत पाईंदो त हिन लोक जो स्वर्ग सुख माणींदो ऐं मरी वेंदो त हतो वा प्राप्त थी स्वर्गम जितो वा भोक्ष से महिम हा इस पर उतंग ने कहा जनार्दन मैं जानता हूँ आप जगदीश्वर हैं अब जगत जो ईश्वर हैं स्वामी हैं कंट्रोलर हैं वो हाने तो चयस भगवान जे समझाने का पो अच्छा चयस ना मां तो अध्यात्म तत्व तो बुधाया हाँ तरी ने जी कुछ आके खुली जे खुली हाँ इस पर उतंक ने कहा जनार्दन मैं जानता हूँ आप जगदीश्वर हैं अब मैं आपको शाप नहीं दूंगा हाँ दिसो आप कृपा कर अपना विश्व रूप मुझे दिखलाएं मुख्य विश्वास भी तो थे ना बराबर तू अड़ी शक्ति वारो है हाली गालायण में तो हारिया हारा वही मुख्य मैं हारजी वियस पर प्रत्यक्ष दिसा भी तो तुझे रूप न बराबर तत्पश्चात भगवान ने उन्हें सनातन विष्णु स्वरूप का दर्शन कराया सनातन विष्णु रूप जो का उन्हें दर्शन कराया और वर मांगने के लिए प्रेरित किया इशारो की घोर वरदान देके खपे उतंक ने उस मरुभूमि में जल मिलने का वर मांगा उते पानी कोनो वारी वारी अचे इते जल मिलन खपे भगवान ने कहा जब भी जल की आवश्यकता हो तब तब मेरा स्मरण कीजिए उपा ॿुधाए तो जॾहिं जॾहिं तोखे ज़रूरत पए पाणी हाज़ुर मां ॾींदोसीं इहा कहकर श्री कृष्ण द्वारिका को चल परे जय जय एक दिन उतंक मुनि को वरी प्यास लॻी जय जय वे पाणी के लिए चारो ओर घूमने लॻे इतने में ही उन्हें श्री कृष्ण की बात स्मरण हो आई उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया तब तक देखते क्या हैं एक नंग धरंग कुत्तों से घिरा भीषण आकार का चांडाल चला आ रहा है कुत्ता सां त चांडाल नंग धड़ंग भयंकर रूप आ उन्हीं जो आयो साम उस चांडाल के मूत्र इंद्रिय से अजस्र जल की धारा गिरती दिखाई देती है लगातार धारा पी वह वह मुनि के निकट आकर बोला महर्षि आपको प्यास से व्याकुल देखकर मुझे बड़ी दया लगती है आप जल्दी आकर मेरे पास जल पी लीजिए जय जय यह सुनकर कुपित होकर उतंक उस चांडाल को डांटने लगे तथा वर देने वाले श्री कृष्ण को भी भला बुरा भकने लगे जय जय उनके इनकार करने पर कुत्तों के साथ चांडाल वहीं गायब हो गया जय अंतर्ध्यान थी हो यह देखकर महात्मा उतंक समझ गए कि श्री कृष्ण ही यह सब माया है श्री कृष्ण की ही यह सब माया है जय जय तब तक भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए मुस्कुराइंदाहिर जो उनको देखते ही उतंक बोल उठे केशव प्यासे ब्राह्मण को चांडाल का मूत्र देना आपको उचित नहीं जय जय श्री कृष्ण बड़े मधुर शब्दों में श्री कृष्ण ने पहले किए पे गलाए तो हाने चाहे तो ये उचित ना है जो तू कहे वा कम हां श्री कृष्ण ने बड़े फरक बैजी वैसे ना कुछ तो संगम में अचन था हां श्री कृष्ण ने बड़े मधुर शब्दों में कहा मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से अमृत नहीं पिलाया जाता
हा भगवान तो थदे चिंते बुद्ध प्यारा मानो के अमृत नथो पियारे सकजे प्रत्यक्ष रूप में। मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से अमृत नहीं पिलाया जाता, इससे मैंने चांडाल वेशधारी इंद्र को गुप्त रूप से अमृत पिलाने भेजा था। मां इंद्र के मोकल में जो अमृत हों इंद्र वट जैमें 14 रत्न निकता समुद्र में विलोड़े अमृत खड़ी वो इंद्र जो देवता मतलब इंद्र जो अधिकार मतलब बो कोई नो वी सके अमृत भी कई किस्म जहाँ हाल एक अंधमृत यो उन्हीं वट आया वो अमर बना रहा इन करके। हाँ श्री कृष्ण ने बड़े मधुर शब्दों में कहा मनुष्य अमर नालो तरी देवता अमर नालो छो अमृत पीना अमृत को मानून वागुर अस वागुर अन्न ये या पानी यो न पीन उनकी सोम पा चाहबा उनके सोम जो पीना सोम माने अमृत सोमरस सोमरस चाहबा। हाँ श्री कृष्ण ने बड़े मधुर शब्दों में कहा मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से अमृत नहीं पिलाया जाता, इससे मैंने चांडाल वेशधारी इंद्र को गुप्त रूप से अमृत पिलाने भेजा था किंतु आप उन्हें पहचान न सके। जय जय पहले तो देवराज आपको अमृत देने को तैयार नहीं थे। एक तैयार न हो तो तुम अमृत जी पानी जी घुरा के पानी माने पानी इंद्र वट वो रोटी चौस रोटी न ॾींदव। राधा चवेस थी कृष्ण के राधा बोली कृष्ण से वैकुंठ को जात हो चाय पीना हो तो यहाँ पियो वहाँ मिलेगी ना है। हाँ तो अड़ी तरह उत ये चीजा न मिलंद इत भरपूर खाई पी त मौज वो उत चाय ना कजो मेहरबानी करे उते छो जो न मिलंद दुखी थींद वरी। हाँ हलो बुधाज न कें पहले तो देवराज आपको अमृत देने को तैयार नहीं थे पर मेरे बार बार अनुरोध करने पर वे इस शर्त पर आपको अमृत पिलाने प्रार्थना करने थे मसा मसा इंद्र मन्यो मान चंगो पिया जास्तो इस शर्त पर आपको अमृत पिलाने तथा अमर बनाने पर तैयार हो गए कि यदि ऋषि चांडाल वेश में तथाकथित ढंग से अमृत पी लेंगे जो को वर्णन पर उन्हें चब तो था तब तो मैं उन्हें दे दूंगा तथा कर पढ़ लियो तथा कथ। हाँ तथा कथित तथा कथित ढंग से देखो मथे रूप में। हाँ ऋषि नज़ारो हाँ उन्हें सजो विचूर था नी ये तथा कथित चब तथा गत अचे तो बुद्ध जो आचक तो तथा गत है ना मथे अगमें वार्ता जहाँ स्वरूप डिठ हुई। हाँ यदि ऋषि चांडाल वेश में तथा कथित ढंग से अमृत पी लेंगे तब तो मैं उन्हें दे दूंगा और यदि वे न लेंगे तो अमृत से वंचित रह जाएंगे। हाँ पर खेद है आपने अमृत नहीं ग्रहण किया। दुख हुआ जो तुम खेद खेद से तो दुख तो थे तो अमृत ग्रहण न कयो हे तंक। हाँ वो खड़ी अड़ी हालत में आए हो ना तो आपने उनको लौटा कर बड़ा बुरा किया। जय जय अपमान थो न कोई चीज खड़ी चीज न वे तो अपमान उन्हें अस्तु अब मैं आपको पुनः वर देता हूँ। चंगो हाँ वरी चंगी तरह वर बुझ समझ कि जिस समय आप पानी पीने की इच्छा करेंगे पहले उतना कुछ चाहें था कड़े रूप में नींदे तो जेकर गलती न थी हाँ भगवान चे था नींदो चाहे तथा अस्तु वधिक खोल न कहीं से कड़े रूप में इंदी छा थींदो न को हुन ही को पुछ था हाली हुछ में कुछ हाली तो भगवान राजी थे बस पानी मुखे दींदो जैमें उ लगंदी इतने त पानी जो टेपो कोने को राजस्थान में। हाँ अब मैं आपको इनके कदें भी कुछ वरदान घुरो से चंगी तरह पकड़े उनके विहारे अगु पो जो समझी चाहे जो से वो बुढ़ी ही मठी से गनी। हाँ अब मैं आपको पुनः वर देता हूँ कि जिस समय भगवान जो कौतुकी तो भगवान खेल कंदवा
त असांजे केतिरे पाणीअ में आहे, बुद्धि केतिरी आहे हिन जी, छा थो वधीक घुरणु चाहे। हिकु त घुरे थो अची त पंहिंजो मौत ई थो पाण घुरे। रावण खे वरदान अहिड़ी बुद्धि अची वई, तपस्या त कयईं पर बुद्धि अहिड़ी अचीसि माण्हूअ खां जानवर खां मां न मरां, बांदर खां न मरां, ॿियो कोई त मूंखे मारींदो ई कोन, को एतिरी ताक़त आहे, त मुंहिंजे खुराक आहे, मां खाई छॾींदो आहियां। त ॾिसो अहिड़ी तरह वरदान बि अहिड़ो थो घुरे पियो, ऐं ओड़ो वरदान घुरे कंस, उहो है न कश्यप आहे। त उन वक़्तु सभु भॻवानु अहिड़ो रूप धारण कयो, न माण्हू न जानवर या अहिड़ो, भॻवानु त सर्व समर्थ आहे न, जीव खे छॾींदो आहे, तोखे जहिड़ी ताक़त हुजे जीअं बि वञो घुर, पर मूंखे पावरफुल मां आहियां, सिधो करणु त मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे वरी तोखे। हा चाबी त मां वटि आहे न, हा ॿुधाइजोसि न इहा भॻवान खे ॻाल्हि, कॾहिं गॾिजी वञेव चओ छो ईअं तूं पावर रखंदो आहे। हा 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 पर उहो होॾे ध्यानु वञेसि जॾहिं न हाली हाली त उहो थो ॾिसे चंडालो अची वियो, केरु अची वियो, मूंखे मूत्रेंद्र मां पाणी थो पीआरणु चाहे। उहो भॻवानु चवे था मां कहिड़े बि रूप में ईंदोसीं त ध्यानु वञे था, उहो होश में कुझु बसि भॻवानु चयो हा मिलंदो पाणी। हा वरी ॿीहर साॻी वर वरी सावधान करे थो चङो, हाणे चङी तरह वरदान वठ, तुंहिंजी परीक्षा वरितमि, तूं हाल नापास थी वए। अब मैं आपको पुनः वर देता हूँ कि जिस समय आप पानी पीने की इच्छा करेंगे उसी समय बादल मरुभूमि में पानी बरसा कर आपको स्वादिष्ट जल देंगे। हाँ चंगो, हाँ तुम सब मिठो पानी तो घुरें तो बादल इंदो आकाश में ठही करके बेन हंध भले नचे तुझे मथा इंद वो पानी अमृत जड़ो वसा इंद वो तुम पी करके तृप्त सुझे। उन मेघों का नाम उतंक मेघ होगा, उन मेघ जो इंदी उनको उतंक नालो, उतंक नाले मेघ। हाँ भगवान के यूं कहने पर उतंक तब से बड़ी प्रसन्नता से वहीं रहने लगे। अब भी उतंक मेघ मारवाड़ की मरुभूमि में पानी बरसाते रहते हैं। उतंक नाले बादल इंदा मीह वसाइंदा, अज भी वह गाल बुझाए तो अज भी भगवान जो वो नेम सिद्ध आए। हा इते इहा कथा पूरी थी। श्री कृष्ण का निज स्वरूप दर्शन, इहो निज स्वरूप दर्शन खां पोइ हुनखे प्रभाव थियो, असरु थियो। इन जूं कई कथाऊं उतंक ऋषीअ जूं, उन में हिकिड़ी कथा हीअ आहे। हा दुर्वासा ऋषीअ, हा हा उहो वरी हिन में पोइ पढ़ूं था। उन उहो वरी त कथा उहा पढ़बी, हाली वेटिंग में रखूं था, थोरी यादि कजो। दुर्वासा ऋषीअ हुन खां मूंखे कोई राहे, टिनी लोकनि में घुमियो कोई राहे न पियो। ॾुखिया माण्हू ॾाढा ॾुखिया थींदा आहिनि, ऐं महिमान वारी करणु ॾाढी उन ॾुखी थींदी आहे। पोइ जेको दिलि ॿधी करके सेवा करणु चाहे, छो जो उठ पटांग घुरंदो हुओ, हुनजो सुभाउ ई अहिड़ो आहे जंहिंजो जेको सुभाउ हूंदो। पोइ दुर्वासा सॼी दुनिया में टई लोक घुमी आयो, कोई तयारु न, हर कोई दर बंदि करे वेही पियो रहे पियो। ॿुधी हे आवाज़ पियो घिंड घड़ियाल वॼाए चए पियो, मूंखे कोई रहणु ॾियो, मूंखे कोई सहारो ॾियो। कृष्ण हिमत ॿधी चएसि तूं चङो तूं हलियो आहे, ख़्यालु न कर। चई ख़बर थी मुंहिंजी? चई हा सभु ख़बर आहे, सभु तयारु रहंदो हुनजो। जीअं उहो चवेसि उल्टो चवेसि, उल्टो चवेसि, बाहि लॻाए छॾेसि कंहिं महिल, जीअं चवेसि मतिलबु हिकदमि चई खीरनी खाराए, जल्दी मूंखे खाराए। हाणे जल्दी खारायो त टाइम त लॻंदो, ॾोहे खीरु हथे हथु, पर हिकदमि भॻवानु थोरो इशारो सम्झी, भॻवानु थियो बि पूरनि त सभु देगियूं भरे रखियईं खीर जूं, बिल्कुलु झटिपटि पंजे मिंटनि जे अंदरि खीर खीरनी तयारु थी। भट महाराज ख़ुशि थियो ॾाढो, खाइणु लॻो, खाई करके वरी चई चङो वठि हाणे तूं पंहिंजे शरीर खे मखे छॾ, इहा सॼे शरीर खे लाहे छॾ। हा हा खाधल झूठी झूठी चई, इहा सॼे शरीर खे तूं लाहे छॾ। चई हा सतवचन महाराज जीअं आॻियां, पोइ धीरे धीरे वीचारो लाहिणु लॻो। रुक्मणी बीठी उहा थोरी डिॼे पई, भई झूठी इहे ॾिसो संत थियो आहे, अंदरि अंदरि भाव थिएसि पियो। हुनखे बि चई जल्दी लाहे तूं बि जेको आहे।
वरी चिंता को हीअं कर हाणे गाड़ी गाड़ी घुराए गाड़ी घुराई घोड़नि खे कढी छॾ घोड़ा न खपनि तूं हिकु पासे घोड़े जॻह ते ॿिए घोड़े जॻह ते हीअ रुकमणी हलंदी जीअं अॻियां चढ़ी वेठो मथां हलो हाणे बाज़ारि में हलणो अथव मथां जंगल वारो पासो थियो हलूं ऐं चाबूक खणी वेठनि तव्हां मथां गड़बड़ कई आहे राधा थोरी हेॾे होॾे थिए राधा न रुकमणी रुकमणी जी ॻाल्हि आहे राधा न आहे राधा अलॻि रही आहे उहा हिते वृंदावन में रही आहे होॾे हीअ द्वारका जी ॻाल्हि आहे पोइ ख़बरदार चएसि थो तूं ठीकु नथी हले हीअं हूअं करे थी बहानो थी करे पोइ ख़ैर वॾी कथा आहे थोरी अॻिते हली पोइ तव्हांखे थोरा इहे ॿुधाइबी हरी संकेत में ॿुधाए पास वियो आहे मतिलबु इहो कृष्ण पोइ वरदान ॾिनो अथईंसि जेतिरी तूं लिंगनि खे लाती थी खीरणी उहो तुंहिंजो वार वांगुरु न थींदो तुंहिंजे मथां कोई हमिलो न थींदो एतिरो पावर बि रखंदड़ हुओ शराब बि ॾेई पियो सघे त वरी पावर बि हूंदो हुअसि चईं छा ते न लॻाई आहे पेर जे तिरनि खे तूं न लॻाई थी खीरणी इन करे पेर जे उहो बचाव मां नथो करे सघां बाक़ी ॿियनि अंगनि ते तुंहिंजो कोई बि हमिलो न करे सघंदो तॾहिं उहो तीर पेर में लॻो अथसि हा इन में कथा ईंदी हा थोरी ॿुधाई हा पोइ तीर वारो इहो न ॿुधायो मां हा भॻवान अहमियत ॾे थो संतनि महापुरुष संतनि महात्मा केॾी अहमियत ॾे थो तपस्या जो कुझु बल कुझु भॻवान जी महिर हा हा फोटू बि अहिड़ो आहे रथ रथ वाई बणियो आहे हा श्री कृष्ण खां निज स्वरूप दर्शन इहो निज स्वरूप दर्शन पुछांव त पोइ इहो उतंग ऋषीअ जी कथा सम्झिजो हा हलो बसि हाणे जेको नेम सां पढ़ंदा आहियूं वरी उहो दिलि में न करे तेज पढ़ उचार कर मूल जेको भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत इहो टियों नंबर श्लोक अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग नाले जंहिंजे अंदरि पहिरियों टियों नंबर श्लोक पहिरियों हो अभयम वारो ॿियो अहिंसा वारो टियों आहे तेज खिम्या धरती 3 शौच 4 अद्रोह 5 न अतिमानता 6 असां हाणे चोथों हले थो शौच में हिन में शौच पवित्रता जे बारे में वर्णन थो करे पियो भॻवानु जो भॻत राम सुखदास महाराज भॻवानु शौच त चयो चई करे जिन छॾाए वियो पर भई असां ॻोल्हणु तोड़े असांखे न भई शौच छा थो चवणु चाहे भॻवानु पोइ महात्मा खोज कई उनजी कृपा सां ई जेको ॿुधीअ में आहिनि वरी तव्हांजे अॻियां मां दयालु संत उहो ॿुधाइनि था बाह्य शुद्धि 4 प्रकार से होती है बाह्य शुद्धि बि 4 प्रकार थींदी आहे हिकु अंतर खे शुद्धि ॿी ॿाहिरीं शुद्धि ॿाहिरीं शुद्धिअ में 4 प्रकार थींदा आहिनि शारीरिक हिकु शरीर जी शुद्धि खपे वाचक ॿियो वाणीअ जी शुद्धि खपे कौटुंबिक इहो तप जेको आहे शुद्ध कंदो आहे तप छा कंदो आहे शुद्ध जीअं अग्नि में सोन विझिबो आहे तपाइबो आहे त शुद्ध थी वेंदो न त तप उन में पाण खे शुद्ध करण जे लाइ इहो तपस्या ज़रूरी आहे पोइ कामना हुजे या न हुजे जहिड़ी बि कामना हुजे उहा पूरी थी वेंदी आहे सोने खे जहिड़े बि ज़ेवर में आण त पहिरियों तपाइणो पवंदो तॾहिं त वरी उन में रंग चमक बि निकिरंदी गॾो गॾु ऐं जहिड़ो कमु उन खां वठणु चाहे ओहिड़ो औज़ार बणिजी वेंदो हा यज्ञ दान तपस्या इहो पावनानी मनी श्रीणाम इहे माण्हुनि खे पवित्र करण वारा आहिनि मुमुक्ष पुरुष बि इन जो त्याग न कंदा आहिनि चाहे भले जिज्ञासू आहिनि अनादिकाल खां इहो सभु ज्ञानी पुरुष बि इन्हनि जो त्याग न कयो अथऊं इहो सॼो 18 अध्याय में शायदि ईंदो आहे हा पहिरियों शारीरिक ॿियो वाचक टियों
कौटुंबिक ऐं चौथों आर्थिक। आर्थिक अर्थ मान धन संबंधी भी पवित्रता खपे, कुटुंब के अंदर भी पवित्रता खपे, ऐं वाणी के अंदर भी सात्विकता खपे, ऐं चौथों शरीर के अंदर भी शुचिता खपे पवित्र। पहले शारीरिक शारीरिक कल पढ़ो से वरी पढ़ो बस तू भले बस तू पढ़ आन भी प्रमाद आलस्य आराम तलबी असा के प्रमाद थी वो आलस्य थी वो या आराम से समय में लग्जरी बस हो जाए लग्जरी लाइफ जी गुजारियों आराम वाले जीवन गुजारियों 84 लख जून में दुख ही दुख दिखा से हाँ तो मौजा मान्य मानू बनाए मौजा वन चाहें मानू बने मौजा वन खाई पी आराम करण है। हाँ प्रमाद आलस्य आराम तलबी स्वाद शौकीनी आदि से शरीर अशुद्ध हो जाता है। पंज सगाल बुधाई प्रमाद एक प्रमाद बियो आलस्य त्रियो आराम तलबी चौथो स्वाद शौकीनी यो लेग दे आराम तलबी यो। हाँ चौथो स्वाद शौकीनी स्वाद शौक वठूं चार मौजा मान खाई पी मौजा मान स्वाद शौकीनी आदि से शरीर गण सत्य चार बस चार थी। हाँ स्वाद शौकीनी खो खूँ तो पंज। हाँ स्वाद शौकीनी हाँ पहले प्रमाद बो आलस्य आराम तलबी आराम तलबी चौथों स्वाद शौकीनी शौकीनी चार आदि से शरीर शौक में सब अची वो। हाँ आदि से शरीर अशुद्ध हो जाता है इन्हीं में शुद्ध नहीं शरीर अशुद्ध थी वे और इनके विपरीत कार्य तत्परता उनके उबता वाली कार्य तत्परता जो हो प्रमाद हो तो उनके अग्न तत्परता खपे सावधानी खपे हो प्रमाद माने असावधानी ये मैं 50 साल का गोले लो ये प्रमाद प्रमाद संबंध पढ़ूँ पा दिमाग पे घूमे प्रमाद है कड़ी भलाई है थोड़ो समझ में आया असावधानी नालो है प्रमाद कें भी गाल में प्रमाद कर माने असावधानी कर कर्ण लाटार कर बुधवन बुधो कर जी व्याख्या कर। हाँ हाँ पो क्या तो यो भी सागी गाल हाँ यो प्रमाद प्रमाद या कई भी औलाद यो पुट पुट हाँ जी इनकी मंडली थी पार्टी आ वी इनकी प्रमाद के सामूँ तत्परता इनके विपरीत कार्य तत्परता आलस्य के जगह सामूँ पुरुषार्थ आलस्य जगह से उबत पुरुषार्थ आराम तलबी के उबतर उद्योग उद्योग स्वाद शौकीनी की जगह से सादगी सादगी आदि रखते हुए ये रखने होंगे आवश्यक कार्य करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है। आवश्यक कार्य इनके ध्यान में रखे और शरीर आवश्यक कार्य जरूरी कम आए तो शरीर शुद्ध थी तो इन में शरीर शुद्ध थी वो ऐसे ही जल मृतिका का मिट्टी है पानी से पवित्रता इंदी है आदि से भी शारीरिक शुद्धि होती है। शरीर शुद्धि मिट्टी लगाए भी मेट लगाए भी या साबुन यो मिट्टी है ना तो यह लगाने से पानी से साफ थी वो शरीर मिट्टी पानी से बो जो अंदरूनी कुछ बुधा गाल शरीर के द्वारा देखो आलस्य थे तो तत्परता पुरुषार्थ उद्योग सादगी ये गुण हो जाए ये गुण हों तो समझो बाहरी तरफ शरीर की बाहरी तरफ भी शरीर शुद्ध थे। इत शारीरिक शुद्धि पूरी कई इन वाचिक शुद्धि थोड़े में पूरी कई वाचिक शुद्धि वाणी की शुद्धि भी खपे शरीर की शुद्धि भी झूठ बोलने तरह अस सार्कितर में पढ़ो हों पानी के द्वारा स्नान तपस्या के द्वारा स्नान चार पंज शन उत जी याद को हाँ अन्न शुद्ध जल कर पानी से शरीर शुद्ध हाँ यो है। हाँ झूठ बोलने हाने यार उत तपस्या पानी न तो मिले तपस्या कई वो शुद्धि थी वी मन सहारो कियोस या जो कुछ तपस्या जो मतलब या मंत्र जपियोस त
तो शुद्धि थी वेंदी। उते चार पंज अड़ा किस्म आहिनि, जिते पाणी नथो पुॼे त मंत्र, मंत्र नथो पुॼे तपस्या कई थोरी देरि। हा, कठिनाई थियणु धर्म जे कारण उहो कर तप आहे, ऐं प्रसन्नता पूर्वक सहणो आहे, लाचार पाए न, पर इहो ध्यानु रखिणो आहे। हा, वाचक शुद्धि, झूठ बोलने शरीर जी थी वई, तंहिंखां पोइ हाणे वाचक, वाचक झूठ बोलने, हा वाणी अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रेहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं च विवाङ्मयं तपः उच्यते। हा, भॻवान भगवद गीता जे अंदरि वाणीअ जो तप काए सत्रहें अध्याय में वर्णन कयो आहे, माई टिनि प्रकारनि जो तप थींदो आहे। हा, झूठ बोलने वरी वाणी जो तप, मन जो तप, शरीर जो तप हुते। हा, देवद्वज गुरु प्रागे पूजन शौच मार्जन ब्रह्म, इहो शारीरिक तप हुयो। हा हा, झूठ बोलने, करुआ बोलने, वृथा बकवाद करने, निंदा करने, चुगली करने आदि से वाणी अशुद्ध हो जाती है। चुगली हई से, कूड़ गालायो से, कौरो गालायो से, कौरो गालायो, वृथा बकवास कई से जी, निंदा चुगली कई से। हा, इन सां सच ॻाल्हायोसीं त पवित्र थियो सम्झ, कूड़ ॻाल्हायोसीं त ऐं हुन में चुगली हईसीं त अपवित्र थियो मतिलबु। हा, इन दोषो से रहित होकर जय जय सत्य प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना। सत्य हुजे प्यारो, सच उते बि सार्कृत में लिखियल त साचा मधुर प्रिय होए बाच सोई संत जन, कुझु अहिड़ो लिखियलु आहे। हा हलो, इन दोषों से रहित होकर सत्य, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात मां बुरियात सत्यम अप्रियम सत्यन चा नृतम मां बुरियात ईश धर्म सनातन, इहो मनुस्मृति जो श्लोक बि इहो ई आहे, वेद जो सम्झो। हा, सत्य सत्य प्र सत्य हुजे प्यारो हुजे प्रिय एवं हितकारक, हर किताब में कंहिंखे यादि आहे न, सत्य प्रिय वचन जो हो ई भाउ खां ई सोई जन, सोरहं सिखिया में छा जो आहे, न न हे हुन में सारो हलो ठीकु आहे, कंहिंखे यादि न कोन्हे, यादि कंहिंखे बि हूअ बेबी जेके ईंदी आहिनि थोरो हिनखे न, उहो प्रभुदास चयो आहे मां सॼी सार किताब टे चारि दफ़ा पढ़ाई आहे, उहे काॾे वे शिष्यत जा न शिष्य जिनखे पढ़ायो त उहे जिनखे तव्हां पढ़ायो हेतिरनि खे। हा हलो, इन दोषों से रहित होकर सत्य प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना, अर्थात जिससे दूसरों की पारमार्थिक उन्नति होती हो, और पारमार्थिक उन्नति थे व्यवहारिक न, पारमार्थिक उन्नति थे और शर्त विधेयन संत। हाँ, पारमार्थिक उन्नति होती हो और देश ग्राम मोहल्ले परिवार कुटुंब आदि का हित होता हो, देश कुटुंब परिवार मोहल्ले जो हित थे भलाई थे, अड़ो वचन गालाइंदो मानो ये न। हाँ, तो या वाणी पवित्र वाणी, या वाणी तो संत महापुरुष बोली ना न, जय जय जन में पारमार्थिक हित। हाँ, ज्ञान हुआ बराबर, जिससे दूसरों की पारमार्थिक उन्नति होती हो और देश ग्राम मोहल्ले परिवार कुटुंब आदि का हित होता हो, और अनावश्यक बात न करना, यह वाणी की शुद्धि है। अनावश्यक आवश्यक कौन है वो भी न कारण है, किथे किथे चुप रहन भी फायदेमंद है। हाँ जी, जल कर मन शुद्ध होए जी जी, धन दिए दान, दान कबो हो तो त्रिविध कल्याण। हाँ, कुछ अहिड़ो आहे। हा, वरी भॻाए ॻोल्हे लही आहे वरी बि कमज़ोरीअ में बि ॿुधायो ऐं जल करे चरण तन पवित्र और धन पवित्र दान करण सां बत बराबरि आहिनि, सही न इहे ॻोल्हियऊं था हुनखे बि। हा बराबरि, हा सत्य वचन और प्यारो जोई बुद्धिमान जन भाखे सोई और प्रिय न होए पुन वाक्य सत्य कर,
शब्द मत शब्द जा जानू जेके न ये अखर न गाईंदा आहिनि हा इहो ई साॻियो ई आहे प्रेम बुरियात मां बुरियात अप्रेम हा उहो साॻियो ई आहे बराबरि इहो सार्क तर वारे हुन में सवलाई सां हिंदीअ में खयो आहे हा आहे उहो ई वचन हा इहो वाचिक शुद्धि पूरो थियो वाचिक शुद्धि हिकु शारीरिक शुद्धि पहिरियों शारीरिक शुद्धि वाचिक शुद्धि बसि हिते रखूंसि थोरो थोरो जेतिरो हज़म थोरो ई मन त चवनि पई मूंखे सभु यादि आहे मां ॼाणंदो आहियां सभु भई अथा ज्ञान मन कह त सभु ॼाण त हू मन मान जी कहिड़ो छिलो कया थो तव्हां मां कंहिंखे यादि मन जान त सभु बात जान बूझ अवगुण करे हा जान बूझ अवगुण करे काहे को कुझु लात हथ दीपक कुआं पढ़े मन जान त सभु बात चओ मन जान जान त सभु बात जान बूझ अवगुण करे अवगुण करे अवगुण करे काहे को कुझु लात काहे को कुझु लात हथ दीपक कुआं पढ़े कुआं पढ़े हथ में दीपक बि आहे किरण बि अथ सावधान थियो रे सावधान थियो सचे थियो रे सचे थियो मौत हुनखे खणी वियो हुनखे खणी वियो रोज़ पिया अचनि था असांजे मथां मौत अचणु वारो आहे मां पंहिंजे पगड़ियुनि ते ईंदुसि ईअं कंहिं चयो आहे हुनजे पगड़ियुनि ते मां वयुमि परचाणी हुनखे ॾेई आहे तूं पाण खे त परचाए न हा अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यम मंदरम शेषा स्थिर तम इछंति किम आश्चर्य मता परम हा इहो धर्मराज जवाबु न हा केतिरा सुवाल हुन में पहिरियों हिकिड़ो इहो सुवालु आहे जवाबु हा 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 जे मूड पुरुष सुधरंदड़ हुजे हा त कृष्ण दुर्योधन खे न सम्झाए सघियो भॻवानु ख़ुदि हूंदे बि सम्झाए न सघियो उहो त ॿुधाइणु चाहे प्रभुदास पद ठहियलु आहे बराबरि सही ॻाल्हि आहे हा त मूर्ख सुधरंदो कोन्हे को मूर्ख हिकिड़ी मोचड़े खां सां न सुधरंदो आहे मूर्ख का गुरु मोचड़ा छा चयां मूर्ख का गुरु मोचड़ा बसि यादि करे छॾ बसि ख़ाली यादि करिणो आहे कमु न आणो आहे मतिलबु हाणे कमु आणियो हा 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 बिल्कुलु सही आहे इहो हा पर वरी उहो दिलि में न करे अद्रोह पोइ ईंदो अञा थी वियो न हिन खां पोइ आहे न अद्रोह पोइ शौचम अद्रोह हा नातिमान त पछाड़ी उन खां वरी अॻु में आहे अद्रोह अद्रोह खां वरी होॾां पोइ अथऊं जेके घण त इहो हाणे जेको पढ़ूं था शौच शौच हा पोइ अथऊं खां टियों नंबर शौचम अद्रोह नातिमान था अद्रोह जी ख़बर अथव जी तव्हां मां कंहिंखे अचे थो हिते हे छा थो चवे अद्रोह माने माने शत्रुता न रखणु माने वैर भाव न रखणु छा चयमि उहो अर्थ हिन में बि अची माधुरी में थी हुन में बि अची सभिनी में अची यादि कयो न भई हिन कहिड़े अर्थ में ख़तमु हूंदो आहे भॻवानु कहिड़े अर्थ में ख़तमु हूंदो आहे हीअ महात्मा कहिड़ो थो अनुभव करे अद्रोह माना बदिला लेने की भावना न हुई बदिला वठण जी भावना न हुअणु हूअं त सिंधीअ में हीअं चइबो आहे ड्रोह न करणु ठगी न करणु ड्रोह न करणु पर बदिलो न वठणु हक़ीक़ी बदिले वठण जी भावना बसि मूल ॻाल्हि हिते पकड़ींदो इन खे वरी खणंदो जेको आहे हा हुनखे न बदिलाइणो आहे बदिलो वठिणो आहे पर पाण खे बदिलणो आहे
जे बे रूप वरी भद्रो वठण मथा वरी मथा सही भी न सकन वरी भद्रो भी वठण डबल हाँ कराएं विरोध ओ मां हाँ गोसम तुर से न वो जो मुझे स्वरूप समझे तो पे जो भगत मानू वो कैसा विरोध कंदो हाँ यो भी आया इन में हो मुझे स्वरूप तो ऐसे सब इन मथा इन पोया ये सटा ये ना हाँ कई सन कर विरोध निज रूप में जान जगत कई सन कर विरोध हाँ बराबर यो इन सा शामिल है इनमें हले तो इंद्रियों का उपभोग तीन प्रकार का होता है नहीं ऐसा पर एक है साधन सब साधन बियो इन जो नालो है साधना जो रहस्य पुस्तक नालो चाहे साधना जो रहस्य इंद्रिय करियो है काई भी साधना कहीं तो जो रहस्य जैसे न जान पो हाँ इंद्रियों का उपभोग तीन प्रकार का होता है इनमें पहले आए भोगों का तत्व जानने के लिए परी पूरो हाने हे बो नंबर हले तो दूसरों की सेवा का तत्व अच्छा पैरों से हो भोगों का तत्व ज्ञान भोगों का तत्व जानने के लिए इंद्रियों का उपभोग कहीं था हाँ इंद्रियों का उपभोग तीन प्रकार का होता है भोगों का तत्व जानने के लिए दूसरा उनके द्वारा दूसरों की सेवा करने के लिए तथा तीसरा परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त शरीर निर्वाह क्रिया के संपादन के लिए तो हाँ इनमें बो नंबर आए दूसरों की सेवा का तत्व है जय जय जब तक बो नंबर दूसरों की सेवा जो तत्व तत्व भोगन जो उपभोग साझे लाइ कजे भई सेवा जो बियन जी सेवा में उहे कमु आणे सघूं हिकु भोग बि आहे तत्व ज्ञान हासिलु करण लाइ इंद्रियुनि जो विषय सां भोग कयोसीं वास्तव में इन में कहिड़ो सुखु आहे छा आहे अंतरो लहण उन जो हृदय भावार्थ तात्पर्य छा आहे मूल छा इन में ॻाल्हि आहे मक़सदु सम्झणो हिकु ॻाल्हि ॿियो चई सेवा भाव सां उन जो उपभोग कबो आहे ऐं ॿियनि जे लाइ उपभोग गम कमाइण जे ॿिए जे पाण खाई बि ॿिए खे वरी पोइ भई सुठी चीज आहे ॿिए खे खाराइजे इहो उपभोग जो छा जेको अर्थ कंदो हुजे ॾिसो दूसरो की सेवा का तत्व जे जब तक मानव को अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह प्रतिकूल पदार्थों और क्रियाओं के त्याग पूर्वक अनुकूल पदार्थ और क्रियाओं द्वारा दूसरों की सेवा नहीं कर सकता दूसरी सेवा करें कर सकता जैसे पे समझो ये चीज़ अनुकूल है प्रतिकूल है अनुकूल तो कें कम में आनी प्रतिकूल तो वेझो उनके अच्छा नो यो पे जान हो जरूरी है ये इन अनुकूल है ना ये जान भीलिए दिठो मिठा आन भाई भगवान के खारने लायक आन तो खाराई न त ॼाण ई न हुजेसि त कहिड़ा ॾेस जेको आहे त इहो इंद्रियुनि जो विषय सां भोग थिए थो पियो पर कहिड़े भाव सां थो करे भई मां चङी तरह सेवा में कमु आणे सघां वस्तु हीअ इन वास्ते माता बालक खे ॾींदी आहे काई चीज़ न वठी सघंदो आहे गोरी या कौड़ी पोइ पाण वठंदी आहे या पंहिंजे खीर में थंज में या कंहिं खीर में मिलाए ॾींदी आहे पी वञे ऐं अञा नंढो हूंदो आहे खीर बि नथो पी सघे पोइ पाण खाईंदी आहे पोइ थंज रस्ते हुनखे पहुची वेंदो आहे उहो अहिड़ी तरह सोचींदी आहे ऐं ॾिस न खाइण जहिड़ो आहे कुझु पर ॾंद अञा कोन अथसि पाण चॿाड़े वियो आहे हथ सां पोइ हुनखे ग्रह ॾींदी आहे पोइ झूठो न आहे पर भोग भोगी वस्तु पर हुनजे वास्ते भई हुनखे सुठी तरह कमु अचे फ़ाइदो थिए हा थोरी गंभीरता वारी ॻाल्हि आहे ध्यानु ॾींदव त पर ईंदव हाँ जब तक मानव को अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा अनुकूल प्रतिकूल है वस्तु पहले ज्ञान तो हो जाए ना तब तक वह प्रतिकूल पदार्थों और क्रियाओं के त्याग पूर्वक अनुकूल पदार्थ और क्रियाओं द्वारा दूसरों की सेवा नहीं कर सकता हाँ प्रतिकूलता से त्याग करे अनुकूलता के द्वारा सेवा कर तदें चिंतन जो ज्ञान ज्ञान होने सेवा करते समय सेवा की वस्तुएं जिनकी हम सेवा करते हैं
उनकी समझनी चाहिए। हम समझ जे वो आए उन्हीं जी चीज न को के मां पैंजे पारो तो न करया तुजियम वस्तु गोविंद तुभ्यम मेव समर्पय तो जो नरमा तो के दिया रुपया तुम्हारे पास जो कुछ है हमारे पास जो कुछ है भगवान की दी हुई वस्तुओं को ही हम भगवान के भक्तों के प्रति दान करते हैं। काम नंबर वचन आयो चौथा नंबर भगवान के दिए प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करते हैं। हाँ उन्हीं जो समझी भाई तुझे मैं संभाले बैठो तू बड़ी कृपा के वी वे न तो मैं मुंझी पोस संभाले संभाले थको हिं मैं पारा तो दें अस ये समझने अस भगवान वो भी तो कम कह भगवान चवंत उन वस्तु उनके दे अस न असि वस्तु अस उनके दूँ था फर्क एत जीव ईश्वर में कड़ो फर्क वो ी नालो न कहीं पा बे जो नालो खो अस वरी हों भी न हूँदी बेजी चीज है तद में नारो पैंजो ठपो पैंजो हणंदास बुधाय जो न भगवान के अस ये कम कंदा तुझे अपोजिट में बीठा तुझे भरी झोली देखा देते नहीं देखा खुदा अपने बंदों की करता है खुद निगरानी नया बिस्तर नया मंजा नया दाना नया दाना नया पानी तुम्हारे दरबार की निराली एक शान देखी तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी। हाँ इंसान पहले दिस झोली में छा पे अग में मिलो थी न मिलो थी घना दफा वी भगवान चन था जाल में वी आया तू आयो तो वो नी बो तो रही प्रभो तो रही बस बुधाय तो भगवान के थोड़ी गुजरू गाल ये अलाई बुधाए तो हाँ सेवा करते समय सेवा की वस्तुएं जिनकी हम सेवा करते हैं उनकी समझनी चाहिए दे दे। इससे वह उनके प्रति ममता और आसक्ति के बंधन से मुक्त हो जाएगा। हाँ सुनो तो आसक्ति बंधन में विजी जी ममता भी हाँ जब तक ममता और आसक्ति है तब तक अनुकूलता प्रतिकूलता का द्वंद्व बना रहता है। जैसे अनुकूलता प्रतिकूलता जो द्वंद्व बने रहो जैस तक आसक्ति आए ममता आसक्ति आए और कल गुण पढ़ो गुण भाई आओ कौन बई दिस में निंदा ये माया कीर्तन कल प्रसंग शाम में पढ़ो वो कल इन में समग्र जो जो साधक संजीवनी में इन पैरी जो हले पो कल आयो न वो उते थोड़ो मुंझऊ भी पे कड़ो पद आ माया कृत ये गुण अवगुण दिस जो दौरो गोले भी रही आए रामायण में। हाँ खैर कल अड़ो कुछ प्रसंग हो शायद ठीक है हल हाँ इत ही रखूँ था दूसरों की सेवा का तब तो बो नंबर खाई दूसरों की सेवा करने के लिए क्यों इंदो परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त शरीर निर्वाह क्रिया के संपादन को संपादन के लिए परमात्मा प्राप्ति के निमित्त शरीर निर्वाह क्रिया संपादन कजे थी शरीर के द्वारा कुछ भी कार्य करे तो भगवान के भगवान के वास्ते ये थी न भगवान के परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान की प्राप्ति लाए मां जेकी कुछ करे रहे हैं शरीर निर्वाह क्रिया भगवान की प्राप्ति वास्ते विषय जो भोगे तो भगवान की प्राप्ति वास्ते हार श्रृंगार पे कर भोगी तो भगवान के वास्ते शायद अड़े किस्म जो कुछ प्रसंग कल भी हो प्रबोधिनी में हाँ उन्हीं मजा हो हाँ उन्हीं में शायद हो प्रबोधिनी में वो विशेष गाल बुधाई हाँ व्याख्या कई व्याख्या जो समझाई हाँ उतरे आयो मां भी सुबह गोल मां जो गुण गुण दारो खयो से कल काली पुस्तक ही न लभे जीव के एक और भगवान है। हाँ इन्हीं में आयो और एक और संसार है। हाँ जब वह संसार के सन्मुख होता है तब उसमें दैवी संपत्ति आती है। हाँ और जब वह संसार के सन्मुख होता है
जब वह संसार के सन्मुख हाँ होता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है उनका बेमुख चिंदो संसार जे संसार जे पासे सन्मुख भगवान जे सम्मुख चिंदो तो देवी संपत्ति और संसार पासे चिंदो तो आसुरी संपत्ति इतने शायद गुण जिक्र मूल दोष एक ही है हाँ, जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है जय जय और उनका अभिमान होता है कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता जय जय अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है यह आसुरी संपत्ति है अभिमान के कारण शायद कारण तो अच्छे अभिमान है करे अभिमान जो ना अभिमान पैंजे होना जो जो को अभिमान तो थे पान के हाँ पान के विशेष व्यक्ति समझाऊं था हाँ अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है अच्छा अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है यह अभिमान है करे हाँ यह आसुरी संपत्ति है जय जय अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है तब जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान भी नहीं होता मन बई न दिसे तमाम कल श्लोक में आयो ना वो मिनी का न्यारो थी वे ऐं जीअं गुण अवगुण ॾिसे थो अञा माया जे अंदरि आहे आसुरी संपत्ति चओ माया चओ हुते माया अख़र आंदो अथई रामचरित मानस जे अंदरि ॻोल्हियो थो न हिन वरी ॻोल्हे ॾेखारियो मूंखे भई सुनऊं तात माया कृत हा सुनऊं तात माया कृत हे राम थो चए हा साईं राम थो चए हे ॿुधो प्यारे सुनऊं तात माया कृत गुण और दोष अनेक माया कृत दुष दोष गुण घणा ही आहिनि गुण ऐं दोष माया कृत इहे हा गुण यह उभयन देखिय गुण इहो हुअणु खपे भक्ति भाव अहिड़ो हुअणु खपे ॿई ॾिसण में अचनि गुण अवगुण ॿिन्ही खां मथे हुजे मथे हा देखिय सो अविवेक ऐं ॾिसे थो त इहो अविवेक आहे इहो जेको अभिमान अचे थो पियो उहा ॻाल्हि थो ॿुधाए इन खे ई थो खोड़ करे रामचरित मानस हा राम कंहिंखे थो चवे ख़बर थी लक्ष्मण किथे समाज खे बि चयो अथई अयोध्या में अची उते प्रवचन कयो अथई कुझु प्रसंग मूंखे त कुझु अख़र यादि कोन्हे न को मां पढ़ियो ई आहे प्रभुदास जेको थोरो घणो ॿुधाईंदो आहे हा ठीकु आहे हा बसि हूंदो कंहिंखे तात करे चए थो लक्ष्मण खे अच्छा निषाद राज खे हे प्यार जी हा पर उहो यादि हुजे प्रभुदास कई आहे शादी कंहिंसां ख़बर अथव वेसर सां कमज़ोरीअ सां ॿियो ॿ का करे वेठो आहे शादियूं शाबस अथसि मुंहुं ॾेई वेठो आहे तंहिंखां पोइ बि खिले थो हा उहा थो ॻाल्हि चोॾहें जो भेण गीता में छा हा गुणा अची थो थियणो आहे कई लिंग स्त्री गुणान हितां अची थो भोती किम आचार कथन चए हितां त्रिनि गुणान अची वरितसि इहो चोॾहें में आहे न छा हा बसि इहा ई जेका हा मां गुण गुण हिन में त आयो ई कोन को सुबुह जंहिं चङो ॾिठो अधुमुनो कलाक हिन में हीअ पुस्तक ई न हो मां वटि हा ठीकु आहे बसि इहो जय कमु हले थो एतिरी ख़बर पए थी कीअं थो हले उहा ख़बर न आहे हा बसि ठीकु आहे ॿियो भॻवानु चवंदी छा इंतज़ारु करे थी तव्हां बंदि कयो रे मुआ मारिया शुरू कर शुरू कर मथो खाधो अथव कलाकु खनि थियो आहे सॼो
कृष्ण मुंहिंजा अध में मतार लाई यादि या कज गाल त कृष्ण दिल ता मता भुलाई यादि या कज गाल त कृष्ण दिल ता मता भुलाई हथ पकड़े तू कृष्ण मुंहिंजा अध में मतार लाई हथ पकड़े तू कृष्ण मुंहिंजा अध में मतार लाई जनम जनम में दासी बनाए जनम 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 में दासी बनाए
राइज कज नामुखे धार कृष्ण मुंहिंजी तोसां प्रीत मोहन मुंहिंजो तोसां प्यार कृष्ण मुंहिंजी तोसां प्रीत मोहन मुंहिंजो तोसां प्यार तोखे छॾे ॿियो कोन रखां मां तोखे छॾे ॿियो कोन रखां मां दुनिया सां वहिंवार कृष्ण मुंहिंजी तोसां प्रीत मोहन मुंहिंजो तोसां प्यार कृष्ण मुंहिंजी तोसां प्रीत मोहन मुंहिंजो तोसां प्यार उहो सतगुरुदेव भॻवान की जय जय सही ॿुधायां भई ॾिस दिलि खोले रग रग ॻोले मूंखे गुजो लॻल अथई कार रे बिना कृष्ण जे मां चरी चरी बिना मोहन जे मां चरी चरी ॾिस दिलि खोले रग रग ॻोले मूंखे गुजो लॻल अथई गार रे बिन कृष्ण जे मां चरी चरी बिना मोहन जे मां चरी चरी वैद पुछो ॾस मीरा तोखे कहिड़ी लॻी आहे गार मूंखे त काई ख़बर न पयड़ी जा चम तबियत सारी ओ मीरा तुंहिंजी जा चम तबियत सारी ॾिस दिलि खोले रग रग ॻोले मूंखे गुजो लॻल अथई गार रे बिना कृष्ण जे मां चरी चरी बिना मोहन जे मां चरी चरी ऐं तबीबा वञ तूं मोटी मर्ज़ न मूंखे आई सिक में साह थियो आसोड़ो प्यास पसण जी आए मोहन जे प्यास पसण जी आए कृष्ण जे प्यास पसण जी आए ॾिस दिलि खोले रग रग ॻोले मूंखे गुजो लॻल अथई गार रे बिना कृष्ण जे मां चरी चरी बिना मोहन जे मां चरी चरी सिक वारनि जी सां हत कोई दर्द वारो ई सुञाणे दवारनि जी दार ई दर्द वारो ई सुञाणे नारायण बि दर्दी कोई सगी न सूर सुञाण ओ मीरा तुंहिंजो सगे न सूर सुञाणे ॾिस दिलि खोले रग रग ॻोले मूंखे गुजो लॻल अथई गार रे बिना कृष्ण जे मां चरी
हाँ घंट बजा है पूरी नहीं थी बाबा कथा आवे सर्जन हनुमान के तो मोकल दे बेचारे के वो भी कम वार हुआ उन्हें के तंग न कहो घनो सर्जन होता है विदा होता हनुमान।